एक नजर डालते हैं उन स्टैट्स पर कि अभी तक पाकिस्तान ने जितने अपनी होम ग्राउंड पर मैचेस खेले उनमें क्या सूरत हाल रही। 11 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, एक भी मैच पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक साल से अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 11 मैचेस हैं जिनमें कोई मैच पाकिस्तान ने नहीं जीता और 7 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और 4 मैचेस ऐसे हैं जो ड्रॉ हुए हैं। अरसलान, गुज़िश्ता अभी 11 मैचेस हमने सामने रखे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान 4 मैचेस को ड्रॉ कर पाया है, एक मैच नहीं पाकिस्तान ने जीता, ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। बिल्कुल लुकमान, और जो आप बात कर रहे हैं कि होम ग्राउंड के ऊपर, तो होम ग्राउंड में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हादसा यूं ही नहीं होता, जो है उसके ऊपर कई अरसे से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेहनत कर रहा था। आपने रमीज के दौर में देखा होगा कि जिस तरह हमने विकेटों के साथ छेड़छाड़ की, डोमेस्टिक में यही विकेटें हैं जहाँ पे बॉलर जो है वो विकेटें भी लेते हैं, बैट्समैन रन भी बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन बॉलर्स और उन बैटर्स को कभी टीम के करीब भी नहीं आने देते। वो एक सो कॉल्ड एक सर्कल बन चुका है, एक पूल बन चुका है, उस पूल से निकलने का नाम नहीं लेते। वो बाबर आजम कप्तान हो या ईशान मसूद आए हैं, 3 से 4 सिलेक्शन कमेटियां आपने पिछले कुछ अरसे में देख ली हैं, आपने देखा होगा कि किसी एक जगह पे भी हमें कोई नया पूल, नया खिलाड़ी नजर नहीं आया। यही वो लड़के हैं जो 2021 से चलते आ रहे हैं और यही वो लड़के हैं जिनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, और खासकर जो परफॉर्मर्स थे डोमेस्टिक के, कामरान गुलाम हूँ, वो मोहम्मद अवास हूँ, उस्मान सलाहुद्दीन हूँ, और मोहम्मद उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे। इन तमाम लोगों को कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए टीम के साथ या 4-day टूर्स डे जो मैचेस थे वहां पे यूटिलाइज नहीं किया। आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं लुकमान, मैं आज यहाँ पे जब पाकिस्तान टीम का मैच चल रहा था उसके पैरेलल यहाँ पे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट क्लास सीजन है वो शुरू है, उसमें मैं देखा था कि उस्मान ख्वाजा और लवेशन जो उनके फर्स्ट क्लास के उनकी टीम के टॉप खिलाड़ी हैं, और उनको आप डोमेस्टिक के अंदर आप, मैं यहाँ पे देख रहा था कि वो खेल रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, आप मुझे बताएं कि बाबर ने लास्ट टाइम कब 4-day क्रिकेट पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में खेली, शान मसूद ने कब खेली, और दीगर शान मसूद चले फिर भी काउंटी में खेलते नजर आए थे, लेकिन दीगर खिलाड़ी खासकर शाहीन हो गए, बॉलर्स की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, जो हमारे मेन पिलर जिन्हें कहा जाता है, उन मेन पिलर। लेकिन अगर यही टीम के साथ अटैच थे और मुसलसल बुरी परफॉर्मेंसेस आ रही थी, मैं भी सवाल उठा रहा था, तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि इनकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, तो फिर क्या वजह है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा मजबूत है ये प्लेयर्स के इन पर कोई इनके हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता? देखिये, बोर्ड तो बहुत फैसला करता है, प्लेयर्स तो मजबूत अपनी जगह थे ही, लेकिन बोर्ड ने पूरा रोल प्ले किया है, जिस तरह से कप्तानी की जो है वो उसके साथ छेड़खानी की गई, बाबर को हटा के शाहीन को बनाया, शाहीन को हटा के फिर बाबर को बना दिया, और बनाने वालों से किसी ने नहीं पूछा। अब शान मसूद को हटाने की बीच सीरीज में बातें हो रही हैं, इस तरह से नहीं होता, आपको ये सीरीज मुकम्मल होनी देनी चाहिए थी। और ये मैं आपको बावसूक जराए से ये बात कर रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी ही की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं, और वही ये बातें जो है वो फ्लूट बाय कर रहे हैं कि जी हम आप सर्जरी कर रहे हैं, अब हम आप जो है ना इस लाइन पे चल पड़े कि शान मसूद को सीरीज से हटा दिया जाएगा। शान मसूद को हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये या तो खुद इस्तीफा दें या बोर्ड के अंदर जो दीगर लोग बैठे थे या जो इंटरनेशनल क्रिकेट के हेड है उनको देखना पड़ेगा कि आप इस तरह की विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से क्रिएटर्स को मंगवा लेते हैं, लेकिन वो क्रिएटर बेचारा क्या करे, बताए ना आपके पास स्पिन बॉलिंग का एक जो आप कह सकें कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, ना बैटिंग है ना बॉलिंग है, कौन सी विकेट वो तैयार करे कि आपके बैटर्स वो खेल लें, उन्होंने आपके लिए आप कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप सीरीज अभी जारी है, जैसे आपने वर्ल्ड कप जारी था उसके दौरान ही सर्जरी का एक पैगाम दे दिया, एक मैसेज डिलीवर कर दिया, अभी आपने शान मसूद की कप्तानी को डिस्कशन का हिस्सा बना दिया, यानी कि मलबा उन पर डाला जाता है और चेयरमैन पीसीबी को खुद इस्तीफा देना चाहिए इस बुरी परफॉर्मेंस पर। बिल्कुल यही बनता है। देखें आप मुझे अब शान मसूद के ऊपर बातें हो रही हैं कि उसने 6 टेस्ट हारे, लगातार हारे, मुझे आप रिसोर्स बताएं ना, मैं सवाल करता हूं इन कप्तानी के चेंज करने वालों की बात जो कर रहे हैं कि मुझे आप बताएं कि क्या है शान मसूद के पास रिसोर्स, क्या है, कौन है जो उसका मैच विनर है पूरी टीम में, सवाए सलमान आगा जो एक कंसिस्टेंट नजर आ रहा है, वो हैंडी है बॉलिंग के साथ, बैटिंग में भी परफॉर्म कर जाता है आखिर में आके, लेकिन बाकी कोई एक सिंगल मैच विनर, जिसकी आप रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान का क्या कंसिस्टेंसी है, उसने क्या, आप उसको कप्तान बनाने की अब बातें शुरू आपने कर दी हैं, तो ये जो कप्तानी के लफड़े हैं इनकी वजह से ही आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि कंसिस्टेंसी का कोई नाम नहीं है। शान मसूद को जो है वो बहुत कहा गया था कि जी ये ब्रेन है क्रिकेट का, इसने इसको इंग्लिश बोलना भी आती है और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।